हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाले हूँ धनिया पत्ते का चटनी। इसके लिए चाहिए धनिया पत्ता, इसको अच्छे से धोकर रख लीजिए। दो टमाटर, जीरा, लहसुन, सूखा मिर्ची, इमली, नमक और ऑयल। चलो अब बनाना शुरू करेंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। पहले कढ़ाई पे रख लीजिए। थोड़ा सा ऑयल को डाल लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद जीरा, लहसुन, सूखा मिर्ची डालकर अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से भून लेने के बाद धनिया पत्ता को थोड़ा देर ऐसे पकाने के बाद टमाटर को फाट कर डाल लीजिए। अच्छे से मिलाकर पका लीजिए थोड़ा देर। ऐसे पकाने के बाद इमली को भी उसमें ही डालकर थोड़ा देर पकने दीजिए। ऐसे पकने के बाद स्टोव को ऑफ कर लीजिए। इसे थोड़ा देर ठंडा होने दीजिए। इसे ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी का जार में डालकर इसमें थोड़ा सा नमक डालकर चटनी को अच्छे से पीस लीजिए। चटनी तैयार हो गई है, इसे बाउल में डाल लीजिए। चटनी रेडी हो गया, इसे बाउल में सर्व कर लीजिए। Ya está vos.